इसमें क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो। ये हमको दिया हुआ है कि ए जो है फर्स्ट टर्म इज 1 और क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। तो टी थ्री प्लस टी फाइव इज 90, ये गिवन है। तो हमको मालूम है कि जीपी के केस में टी एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, आर कॉमन रेशियो और ए फर्स्ट टर्म। तो टी थ्री क्या होगा, ए आर की पावर टू हो जाएगा, थ्री माइनस वन करेंगे, और टी फाइव क्या होगा, ए आर की पावर फोर हो जाएगा, और ये 90 के इक्वल है। ए यहां पर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहां पर फर्स्ट टर्म 1 दिया हुआ है। तो r की पावर 2 प्लस r की पावर 4 माइनस 90 इज 0, ये इक्वेशन बनी। इसमें अगर हम r की वैल्यू सॉल्व कर लें तो कॉमन रेशियो आ गया, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अब इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में r स्क्वायर को मान करके t। अगर r स्क्वायर t है तो r की पावर 4 क्या होगा, t स्क्वायर। तो अब ये एक्सप्रेशन हो गया t स्क्वायर प्लस t माइनस 90 इज 0। इसके फैक्टर कर लो, t स्क्वायर प्लस 10 इंटू 9, 90 हो रहा है ना, तो यहां पर लिखो 10t माइनस 90 माइनस 90 इज 0। अब यहां पर t कॉमन हो गया तो t प्लस 10, 9 हो गया t प्लस 10। तो पहले वाले केस में t प्लस 9 और दूसरे वाले में t प्लस 10, ये t है। तो जब 0 होगा t माइनस 9, यहां माइनस आएगा ना, ये फैक्टर होते हैं। तो यहां से क्या आएगा, t प्लस 10 इज 0 और t माइनस 9 इज 0। t क्या है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो r की जो भी वैल्यू आएगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, अंडर रूट माइनस 10 एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई रियल कॉमन रेशियो निकला ही नहीं। अब यहां से देखो क्या होगा, r स्क्वायर इज 9, r इज प्लस माइनस 3, तो कॉमन रेशियो इसका क्या होगा, दोनों होंगे, 3 भी होगा एंड माइनस 3 भी। तो कॉमन रेशियो क्या होगा, 3 एंड माइनस 3, दोनों आंसर होंगे इसके, ये इसका सॉल्यूशन।